सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़िता के चाचा को उत्तर प्रदेश से तुरंत दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए, और साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर पीड़ित परिवार को कोई भी इमरजेंसी परिस्थिति में कोर्ट आना है तो वो सेक्रेटरी जनरल के पास किसी भी वक्त आ सकते हैं। बड़ी बात ये भी रही कि इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है, और पीड़िता के परिजनों की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि उसकी हालत गंभीर है और वो बेहोश है। जी हाँ, पीड़िता के वकील ने बताया है कि परिजन उसका लखनऊ में ही कराना चाहते हैं, और इस पर कोर्ट ने इस मामले के लंबित रख लिया है और सुनवाई सोमवार को होगी। और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि पीड़िता की हालत पहले से बेहतर है। केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि उसे पीड़िता और उसके वकील दोनों को एयरलिफ्ट करने में परेशानी नहीं है, और परिवार की तरफ से कहा गया है कि अगर भविष्य में कोई भी इमरजेंसी परिस्थिति आती है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करने की इजाज़त दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी परिस्थिति में कोर्ट आना है तो वो सेक्रेटरी जनरल के पास किसी भी वक्त आ सकते हैं। SP9 न्यूज़ से अजय की रिपोर्ट।